ये मुंह छुपाते फिर रहा है। नंद आई है और क्या बना रही है? मक्के की रोटी। यहाँ बन रही है चाय। बाय बाय बाय, नमस्ते। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज है संडे का दिन और आज का दिन मेरा सच में बहुत बिजी रहने वाला है। मैं यहाँ काम करके नहा धो के हो गई थी तैयार और सुबह के बज रहे थे 10, तो फिर अब तैयार तो हो चुकी थी, मुझे करना था नाश्ते की तैयारी। तो इतने में पता चला कि मेरी जो बड़ी वाली नंद है वो आ रखी हैं। तो हस्बैंड उनके पास बैठ गए थे क्योंकि जीजा भी आ रखे थे, तो जीजा जब आते हैं तो वो अंदर कमरे में नहीं आते हैं, तो फिर मैं भी जाके बाहर उनके पैर छू के आई, सबसे मिल के आई, फिर मैंने करी अंदर नाश्ते की तैयारी। नाश्ते के लिए मैंने आलू उबाल के रखे थे जो कि मुझे आलू के पराठे बनाने थे, तो बस इसमें मैंने धनिया मिर्ची और बारीक प्याज चॉप करके मिक्स कर लिया था। वैसे पराठे हमारे घर में काफ़ी पसंद किए जाते हैं क्योंकि लाल मिर्च नमक डाल के तो नॉर्मल पराठे बनते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर ये सब मेटेरियल डाल दो तो उन्हें कम पसंद आते हैं स्कूल के अकॉर्डिंग, तो ऐसे तो बनते रहते हैं, मगर इस टाइप के पराठे मम्मी ने एक बार बनवाए थे, तब से मैं रेगुलर बनाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इधर दूध भी धर दिया था उबलने के लिए, दूध उबल चुका था तो फिर आटा भी लग के तैयार था, मैंने बना दिए फटाफट पराठे। पराठे बनाने के बाद मम्मी ने करा नाश्ता मक्के की रोटी का, जो कि मेरी बड़ी वाली नंद बना रही थी। बच्चों ने खाया सैंडविच और हस्बैंड के लिए बने थे पराठे। तो इधर मेरी नंद आज रसोई में आई थी घूमने, मगर लग गई रसोई में, ये मक्के की रोटी बना रही थी, उसके अंदर फिर इन्होंने सेके पराठे और इधर मैंने बना दी चाय, और ये लगातार सेक रही थी हाथों से, काफ़ी अच्छे बनाई हैं। और बच्चे भी इधर नाश्ता कर रहे थे। मक्के की रोटी बनने के बाद में फिर उन्होंने सेकी आलू के पराठे, जो कि जीजा और हस्बैंड खा रहे थे नाश्ते। मैंने साथ में हरी मिर्च धनिया लहसुन की अच्छी सी चटनी बना दी थी, तो बाहर कमरे में बैठ के दोनों जने नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि जीजा कभी कभी तो आते हैं घर पे, आज संडे था तो उनको टाइम मिला तो आ गए, तो फिर अच्छा लगता है सब घर में आ जाते हैं। बड़ी जिठानी और नंद दोनों ने फिर नाश्ता किया, फिर मैंने भी बैठ के पराठे के साथ चटनी और चाय का प्रॉपर टेस्ट लेते हुए नाश्ता करा, क्योंकि मैं रिलैक्स होके नाश्ता करीब दोपहर के 12:30 बजे कर रही थी। मेरी नंद भी हंस रही थी, कह रही है तेरे नाश्ता करने का टाइम है, मैंने बोला आजकल ऐसे ही लेट हो रहा है, जब मैं उन्हें क्या पता है जब मैं लेट उठती हूँ तो लेट ही नाश्ता होगा। यहाँ नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी करी कमरे की सफाई, क्योंकि कल कपड़े धुले थे तो शाम को लेके आए, तो मैं उन्हें फोल्ड भी नहीं कर पाई, तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिया। हस्बैंड भी कल बारात से आए, उन्होंने भी पूरा कमरा आज सुबह बिखेर दिया था, तो उसको भी साफ़ सुथरा करना था। उन्होंने अपने लिए 3-पीस सूट वगैरह, कोट और भी कई सारे कपड़े लेके आए थे, इसकी मैं दोबारा वीडियो दिखाऊंगी, उसमें कौन कौन से कपड़े हैं, काफ़ी अच्छे कपड़े थे। और यहाँ पर हमारा जो भैंस वाला कमरा है, जो दूसरा वाला प्लॉट है, उसमें मम्मी जो भैंस की खोर जो खाने की जगह होती है दोबारा बनवा रही थी, क्योंकि नीचे चूहों ने बहुत बुरी हालत कर दी थी, चूहों ने बहुत बुरी हालत कर रखी थी। वंशु को सबसे ज़्यादा पसंद है भैंसों के आसपास रहना, तो वो लगा पड़ा था मिस्त्रियों के साथ हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि उन भैंसों की नई जगह बन रही थी, और पीछे बनेगा एक रूम अटैच बाथरूम और साथ में रसोई, वहाँ पे नीचे शायद शिफ्ट होंगे मेरी जो बड़ी वाली जिठानी है, बाकी का यहाँ पर सारा काम हो ही रहा था। वंशु लगातार हेल्प कर रहा था क्योंकि चाहता था भैंसों के लिए जल्दी जल्दी नई जगह बन जाए, क्योंकि जहाँ पर चूहों ने बहुत बुरी तरह से ज़मीन खोद के बुरा हाल कर रखा था। यहाँ पर आई फिर मैंने दोपहर में करीब 2:30 बजे बनाए आलू गोभी की सब्जी, और विराज लग गया रोटी बनाने तो मैंने उसे डांट के पीछे कर दिया। फिर दोपहर में मेरी बड़ी वाली नंद मक्के की रोटी दोबारा बनाने आई, जिसकी मैंने प्रॉपर वीडियो भी शूट करी कि उन्होंने कैसे अपने हाथों से इतनी बड़ी मक्के की रोटी बना के तैयार कर दी, क्योंकि मम्मी को अगर मक्के के घर में रोटी बनती है तो उन्हें वही पसंद है, नॉर्मल रोटी गेहूँ के आटे की वो कम खाना पसंद करती है। तो फिर दीदी ने बोला ला मैं बना देती हूँ, तो बड़ी वाली जिठानी ने हमारी साग भी बनाया था, तो साग के साथ मक्के की रोटी मम्मी को वैसे ही बहुत पसंद है, तो फिर जितना आटा था उन्होंने उसी आटे की रोटी बना बना के तैयार कर दी, जिसमें से हम सब लोगों ने एक एक दो दो रोटी सबने मिलके खाई। यहाँ पर फिर जीजा को भी साग बहुत पसंद है, तो उन्होंने साग चावल रोटी और सब, मम्मी ने तो मक्की की रोटी के अलावा कुछ खाया ही नहीं, तो सब लोगों ने मिलके खाना पीना खाया। यहाँ विराज को ये सब कम पसंद है, तो वो अपना सिंपल सब्जी रोटी लेके बैठा था, और हस्बैंड सो रहे थे क्योंकि वो थके हुए थे, सुबह ही आए थे वापस। करीब शाम को 5 बजे सब लोग बैठे बात कर रहे थे, मम्मी चली गई थी दूध निकालने भैंसों का, दूध निकाल के मम्मी आई, फिर चाय पानी सब लोगों ने किया। करीब 7 बजे नंद हमारी गई घर को, क्योंकि बच्चों कल उनके भी बच्चों का स्कूल है, तो जीजा का भी हमारे ऑटो है खुद का, वो चलाने के लिए दे रखे थे, तो आज जीजा खुद ही इस ऑटो को ड्राइव करके लेके आए। हमारी नंद निकली अपने घर की ओर, और हमारी गली में पूरा लाइटों से डेकोरेशन हो रखा, क्योंकि गली में थी शादी, उसी के चक्कर में पूरी गली में लाइट डेकोरेशन कर रखी थी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। यहाँ पर डुल्लो नाच रही थी क्योंकि उसको मिले थे बुआ से 50 रुपये।
पैसे दे मुझे। ढुल्लो मुझे नाच के डांस करके दिखा रही थी, भागने की भी कोशिश कर रही थी, मगर मैंने उसे जाने नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था अगर इसके पास पैसे हैं तो इधर उधर गिरा देगी या फिर उल्टी सीधी चीज़ लाके पैसे खा के ख़त्म कर देगी। तो मैंने कल प्रॉमिस किया कि इसके लिए कल नए स्केच कलर दिलाऊंगी, तब कहीं जाके वो पैसे मुझे दे के तब गई। और शाम को यहाँ विराज को लेके बैठ गई मैं पढ़ाई करने। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।